सब सभी लोग वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस हम आज के अपने उसी वर्ल्ड में जहाँ हम क्राफ्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स, एंड हमने अब तक 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर्स क्राफ्ट किए हैं और बाकी कितने रह गए हैं फिर देख दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हमारे 3 3 6 यानी कि अभी हमारे एक पार्ट और बनेगा एंड बाकी सब एंड हो जाएगा। और गाइस मेरे से कुछ बंदे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई तुम हमारी 1 chunk 100 layer वाली वीडियो क्यों नहीं ला रहे। एंड भाई दो बंदे हैं काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे हैं कि भाई मुझे भी वर्ल्ड में ले लो। सॉरी भाई मैं आपका नाम यार मुझे याद नहीं है, आप इस वीडियो पे कमेंट करना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। भाई उन बंदे ने कमेंट किया मेरे उस पर कि भाई मुझे लिलीपुट में ले लो। भाई अगर आपको आना ही है ना लिलीपुट में तो भाई आपको उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी भाई, वह सर्वर नहीं वह एक वर्ल्ड है। अगर आपको वहाँ प्ले करना है ना तो मुझे पहले अपने फ़ोन से उस वर्ल्ड को ओपन करना होगा। तो प्लीज़ आप एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप खेलना चाहते हो ना तो आप एक काम करो, मुझे अपनी माइनक्राफ्ट की जो आईडी है वो माइनक्राफ्ट की आईडी एंड साथ ही साथ अपना नंबर मुझे दे दो ताकि जब भी हमें प्ले करना हो मैं आपको बता दूं एंड फिर हम प्ले करें साथ में मिलकर, ठीक है ना। आप ओपन कर, आप मेरे से कह दो कि भाई माइनक्राफ्ट ओपन कर दो, मैंने कर दी और आपने प्ले कर लिया, ठीक है ना। और रूल्स हमारी कि कोई चोरी नहीं करेगा, सिंपल बात। तो चलो गाइस लेट गेट स्टार्टेड। तो आज हमारा हमने सोचा है कि आज हम बनाएंगे भाई, भाई देखो ये बन गया, ये बन गया, बट यार ये नहीं बनाया हमने अब तक, है ना। ये हमने अब तक बनाया नहीं, पता नहीं क्यों मगर नहीं बनाया। तो अब इसे बिल्ड करके देख ही लेते हैं यार, जब इतना इतना सब बना ही लिया है तो बेचारा एक चीज़ क्यों छोड़े। और भाई आप सोच रहे हो कि मैंने चेस्ट वेस्ट क्यों लगा रखी है, यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ मैं। बस उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये एरिया तो मुझ मेरे हिसाब से बहुत सही है। तो स्पॉन हो गया वो स्ट्रक्चर, ओए भाई इस वर्ल्ड में कुछ अलग है क्या। हाँ भाई आप एक बात थोड़ा ध्यान रखना, मेरी वीडियो में से मैंने अब बैकग्राउंड नॉइज निकालना शुरू कर दी है, यानी कि अब मैं ट्राई करने लगा हूँ हेडफोन से वीडियो बनाने का, तो थोड़ी आपको भी दिक्कत हो रही है, मतलब जैसे कि थोड़ी बहुत साउंड आ रहा है मेरी सांस लेने का या फिर किसी चीज़ का, तो प्लीज़ इग्नोर इट। क्योंकि भाई अगर वो आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती ना हुई है वो अच्छी नहीं लगती यार। मतलब गली से कोई आंटी चिल्ला रही है, बगल से कोई बोल रहा है, इधर से किसी की आवाज़ आ रही है, उधर से किसी की आवाज़ आ रही है, वो ज़्यादा वो बेकार लगता है, बहुत बेकार लगता है। तो उससे अच्छा तो यही है कि हम नॉर्मली अपना काम करें। मेरे मुताबिक यहाँ पर सबका चढ़ा है भाई, इससे अच्छा मैंने ब्लैक स्मिथ वाले में से कमाए थे। तो चलो गाइस अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम क्या बना सकते हैं एंड हमें उसके लिए कितना प्रोग्रेस कराना होगा। तो फटाफट चेक करते हैं, देखो हमने प्लेजर आउटपोस्ट बिल्ड कर लिया। ये क्या है, ओशन मॉन्यूमेंट। मैं तो ज़मीन पे बनाऊंगा ओशन मॉन्यूमेंट, इसमें क्या लगेगा ग्रेवल। ओ चलो यार आज यही बना के देखते हैं, मेरा ही मन था भाई। रुक जाओ पहले बैग खाली करने दो, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत सारा कचरा लेके घूम रहा हूँ अपने बैग में। एक पिकैक्स रख लेते हैं, ब्रेड ऑलरेडी है मेरे पास एंड गोल्ड भी है। तो लेट्स गो गाइस चलो चलते हैं एंड सीड को फेंक देते हैं साइड में एंड अब लेकर आते हैं थोड़ा सा। कि क्या बंदा हूँ मैं यार, मैं ग्रेवल लेने जा रहा हूँ तो शवल ही चलता हूँ, पड़ी है फिर भी ऐसे ही जा रहा हूँ। और हाँ भाई आप लोग से एक रिक्वेस्ट है भाई, जैसे आपने पिछली वीडियो पे 500+ व्यूज़ करा है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो पे भी अच्छे व्यूज़ दिखाना एंड ब्रो लाइक वाइक कर देना यार। आपके लाइक से कसम से बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड फिर और ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता कि बनाऊँ ना बनाऊँ, बस ऐसे ही प्यार बना के रखो। मैं वीडियो डालता रहूँगा और अब मुझे लग रहा है भागना पड़ेगा भाई, जितने तोड़ सकता हो तोड़ देता हूँ। अब भागो
वो नहीं है, मरना नहीं है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बच गया। तो अब सारा ग्रेवल ऊपर आने देते हैं, थोड़ा खाना खा के भी रिपेयर करते हैं खुद को। भाई मुझे लगभग अगर अच्छी लूट हुई तो मैं दो बना लूंगा, वरना एक से काम चला लूंगा। ठीक है ना, इसलिए मैं अच्छा खासा ग्रेवल रख रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ओए नहीं, ओए नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, लालच बुरी वाला है। तो चलो गाइस फटाफट चल के सोते हैं। एंड भाई कुछ बंदे कह रहे थे ना कि तेरी तो भाई बहुत तेज ख़त्म हो रही है, तू 100 डेज में करता है, ये क्यों 6 दिन में 8-12-13 दिन में कंप्लीट करने वाला है। तो भाई मेरी बात सुनो, बात सीधी सी है, अगर ये चीज़ मेरे से जल्दी हो रही है तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या कहा था, मैं हर वीडियो में 3 स्ट्रक्चर बिल्ड करूँगा एंड कुछ न्यू करने की ट्राई करूँगा, ठीक है ना। और उस पर ही बंदे दिक्कत दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई मैंने ग्राइंड ऑफलाइन किया तो वो गलत है, अगर मैं ऑनलाइन ग्राइंड करता ना भाई, लोग मेरी वीडियो को स्किप करते, कसम से स्किप करते, बहुत ज़्यादा स्किप करते, जो कि अच्छा नहीं है यार यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए। और उसकी वजह से मैं कितना, मेरी रीच बहुत गिरती है यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार कि आप लोग मेरी वीडियो ना देखना पसंद करो। तो चलो भाई सब यार थोड़ा क्लियर कर लूँ यहाँ का एरिया, मन तो कर रहा है यार बहुत, मतलब बहुत कबाड़ा इकट्ठा नहीं कर लिया मैंने एक तरीके से, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये सब। ओ नहीं 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 अच्छा लग रहा है यार, ये क्या हो गया, खुल जा भाई बैग, वो लग जा क्लियर आउट। भाई नहीं यार दिक्कत हो जाती है अभी। तो चलो गाइस अपना इस वीडियो का सेकंड ओपन करके देखते हैं। मैं इस वीडियो में 4 बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो लास्ट के 3 है ना वो सीधा हमें एंडर ड्रैगन के क्लोज करेंगे, एंडरमैन मारने हमें नैदर ही जाना पड़ेगा, जो कि मैं ऑन रिकॉर्डिंग करूँगा ताकि कोई बंदा बोल ना सके। भाई कसम से आप लोगों ने जो प्यार दिखाया ना इस टाइम में, लव यू भाई, उम्मीद से बहुत बढ़कर आपने किया है भाई मेरे लिए। कहाँ है ओ ओशन मॉन्यूमेंट्स, कहाँ है, मैं आए वो क्या, ये क्या था, ओ भाई ये कोई सीन नहीं है भाई, मैं तो उसके क्लोज भी नहीं गया हूँ। वो देखो बोरी, अभी मुझे मार भी दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अगर मैं इसे टच करूँगा तो मुझे डैमेज होगा, भाई मैं 2 सेकंड में दूध निकाल के पी लूँगा गाय से। ओ यार यही तो दिक्कत है, मतलब मुझे पहले इसको फिनिश करना होगा। ओए 2 मिनट, ओबे यार कोई ना मेरी हेल्थ अच्छी खासी है, मैं उसे 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा, अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरा मेन टारगेट ना, और भाई देखो वो वाला पार्ट आपका जो 100 लेयर्स 100 चंक वाले का जो आप कमेंट कर रहे थे, टेंशन मत लो ब्रो, वो टाइम से आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे वक्त से आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा भाई। क्योंकि कुछ बंदे पूछ रहे थे यार तुमने एकदम से उसकी वीडियो लाना क्यों रोक दी, भाई मैंने रोकी नहीं है, मेरे को स्ट्रक्चर वाला बहुत मन था खेलने का, तो मैंने वो थोड़ी देर होल्ड करके इसको प्ले किया है, जो कि जहाँ तक मुझे पता है आपको तो अच्छा लगा है, और मुझे भी इसमें काफ़ी अच्छा लगा प्ले करने में। भाई ये यहाँ पर कहाँ होती है मेन चेस्ट, चेस्ट होती है लोग यहाँ स्पॉन्ज के लिए आते हैं खाली। मैंने इससे पहले भी बहुत लूटी है और मुझे याद है चेस्ट होती है शायद, बिना चेस्ट के तो यार कोई स्ट्रक्चर नहीं लगता। दूध लाना ही पड़ेगा क्या, उसे ही मार दूँ क्या, हटाओ सारा क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा फिर।
उसके ऊपर ही मार्क लगा के आता है। रुक जाओ 2 मिनट गाइस, वो मैंने अपनी लेगिंग्स पहनी है ना, आर्मर मेरा हाँ फुल है एक तरीके से। चेक करते हैं कहाँ भटक रही है उरी। इधर ही अम्मा, ये ले। लेट्स गो। स्पॉन्ज का तो पता नहीं क्या करूँगा, बट कुछ तो कर ही लूँगा। अब बस मुझे किसी तरह अपने ऊपर से ही हटाना है जो पोशन लगा रखा है इसने। इसके लिए मुझे अपनी बकेट लानी होगी। मैंने बकेट घर पे रखी क्यों ब्रो? और हाँ, मुझे आप लोग से एक बात शेयर करनी थी भाई, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, अंशु बीस्ट क्या बैकग्राउंड जो सॉन्ग लगाता है वो जो फनी फनी सा थोड़ा लगता है, नहीं है? अगर मैं वो लगाऊं तो ये कॉपीराइट तो नहीं देगा ना भाई? ये चीज़ कंफर्म करनी थी मुझे वो बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने कई कमेंट किए बट भाई इसके लाखों कमेंट आते हैं, वो कहाँ ही रिप्लाई कर पाएगा। मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं मिला वो मुझे उसका रिप्लाई। तो आप लोग बताओ, अगर आपने किसी का कभी यूज़ किया है तो क्या वो मुझे कॉपीराइट दे सकता है उसका बैकग्राउंड सॉन्ग यूज़ करने पे? तो चलो लेट्स गो गाइस, अभी हमें क्या लेने आया था मैं? भाई मेरी याददाश्त क्या पागल हो गया हूँ क्या मैं? 2 मिनट, पहले मैं थोड़ी चीज़ें रख देता हूँ। वापस जा, लेट्स गो। नीचे वाली चेस्ट में तो नहीं है? नहीं है। दो बना लेते हैं। एंड अब चलते हैं फटाफट, पानी तो है ही नहीं, जैसे पानी छोड़ना चाहिए। भाई क्या दिमाग है मेरा, अब मुझे बस एक छोटी सी गाय मिल जाए, वैसे छोटी सी तो पीछे भी थी, बड़ी सी गाय मिल जाए। 2 बाल्टी दूध खींचते हैं फटाफट से, 1 बाल्टी पी भी लेते हैं और दोबारा ले लेते हैं। आए, अच्छा इस साइड भी है, कोई बात नहीं, तुझे मार के मैं निकाल लूँगा दूध, मतलब तुझे मार के भी मैं अपना काम कर लूँगा। भाई ओशन मॉन्यूमेंट इतना जाइंट साइज में होता है क्या? मतलब वो यहाँ तड़प रही है ना, बस 5 मिनट रुको। मुझे पीना और ये ब्लॉक तोड़ना है बस। देखा, जैसे ही मैंने तोड़ा फिर से उसने लगा दिया, वो मुझे दिख ही नहीं रही यार। मैं ये सोच रहा हूँ कहीं मैं ऊपर ही ना हो और मैं नीचे चला जाऊँ, अलग ही सीन हो जाएगा फिर तो। कहाँ हो सकती है वो? ओ ये री, गलत जगह आ गया मैं। हैं, ये क्या था? आ तू यहीं आ। अबे मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा? अम्मा उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। अबे क्या है ये? ओ भागो भाई, भाई ये इफेक्ट हटाऊं कैसे मैं? काश थोड़े ब्लॉक ले आता। और ये भी नेदराइट के ब्लॉक की तरह टूटेंगे अब, पता है? जैसे हम डायमंड की पिकैक्स पे एफिशिएंसी 2 लगा के तोड़ते हैं तब जाके हमें एक नेदराइट मिलता है, वैसे अब ये टूटेंगे। हट यार भाई ये तो। ओ चलो ए हट, इतना टाइम नहीं। गाइस रुक जाओ, मैं लेकर ही आता हूँ सामान पहले जाकर।
उसे मारने के बाद फिर यहाँ पे लूट लाट करते हैं। तो गाइस मैं वहाँ गया एंड लूट करने की ट्राई की, बट मैं सच्ची कहूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल बेकार लगा यार। मतलब लूट के लिए वहाँ पे पागलों की तरह तोड़ना फोड़ना पड़ेगा भाई। यार अगर सोचो मैं पानी में होता भाई, स्पंज ही लेना होता तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ अगर मुझे ओवर वर्ल्ड में कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ मुझे स्पंज की बहुत नीड है तो मैं मान सकता हूँ, बट मैं यहाँ क्यों करूँ? ये तो नल्ला सा एक ओशन मॉन्यूमेंट मेरे को तो नहीं जरूरत है भाई, मैं तो बिल्ड कर दिया। अब चेक करते हैं हम क्या क्या बना भाई। अब मत कहना बारिश में क्रीपर आके मेरे पास फटेगा। भाई देखो हमारे पास एक और है, मैं नहीं लगाने वाला। देखो बेस्टियन हो गया, डेजर्ट टेम्पल हो गया, ये भी हो गया, फोर्ट्रेस नहीं हुई, फोर्ट्रेस आज बनाएंगे शायद, शिपरैक हो गया, अब पोर्टल रूम, ये थोड़ा यूनिक मामला है यार, ये क्या है, जॉम्बी विलेज, अच्छी चीज़ है, एंड सिटी, ओशन, डन 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 डन, पिलेजर आउटपोस्ट डन। अब हमने क्या क्या नहीं बनाया, एंड सिटी, व्हाट द हैक, एंड सिटी रुइन पोर्टल डन। भाई तू इधर ही हो, तेरे को दिक्कत है, मैं कुछ काम करूँ तुम लोग आके मरने, तुझे भी मरना है, आजा आजा बेटा आजा। उनने मेरा आर्मर डैमेज किया ना कोई सा, तो इनने मेरा आर्मर तोड़ा कोई सा। तो चलो गाइस चेक करते हैं, देखो, अरे यार भाई रहन दो ना भाई, भाई मर ले रहे कि तुम्हें ही मरना है मेरे हाथों। चलो चेक करते हैं, एक हो गया एंशिएंट सिटी हो गया, एक ये क्या है, ट्रायल रवींस, ये तो ये भी नहीं हुआ, दो चीज़ें हो गई और ये हो गया नहीं हुआ, ये हो गई तीसरी चीज़ और ये चौथी चीज़ हो गई और ये पांचवी और हो गया। हाँ अभी हमारी पांच चीज़ें बाकी हैं, तो चलो लेट्स गो गाइस। अभी मैं फोर्ट्रेस बनाने वाला हूँ सबसे पहले, एंड डी स्लेट पता नहीं जाके कौन लाएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले फोर्ट्रेस बनाने के लिए हमें चाहिए डायमंड्स एंड थोड़े बहुत नदर वाले ब्लॉक्स। एंड फोर्ट्रेस बनाएंगे ना भाई तो हमें उसकी तरीके से काम भी करना पड़ेगा, एक ही फोर्ट्रेस में पूरी ज़िंदगी का काम हो जाएगा। कौन है ये, तो मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तो तू पिटने के लिए आ जाते हो बार बार। चलो गाइस यार ये बारिश वारिश ख़त्म करके आपको ये स्पॉन करके मिलता हूँ 5 मिनट में। तो गाइस डे 10 हमारा शुरू हो चुका है, तो चलो गाइस अब फटाफट से स्पॉन करने चलते हैं। बारिश रोकने के चक्कर में पता नहीं कितना और इंतज़ार करना पड़ जाता। भाई मैं थोड़ी बहुत सामान रख लेने वाला हूँ अभी ताकि दिक्कत ना हो मुझे, फटाफट से काट लेते हैं। एंड चलो गाइस अब चलते हैं फटाफट से यहाँ से, थोड़ी डर्ट वर्ट रख लेते हैं एंड ज़्यादा कुछ नहीं, डर्ट इम्पॉर्टेंट है, डर्ट रख लेते हैं। बताऊँ क्यों, जब हम उन्हें स्पॉन करेंगे ना तो वहाँ से ब्लेज आएंगी और हमें ब्लेज को रोकने के लिए चाहिए होंगे। और भाई मुझे जहाँ तक पता है ब्लेज रॉड देखो यहाँ से मिल रही है तो ले लेते हैं, एंड फिर हमें एंडरमैन मारने जाना होगा। यार मैं एंडरमैन ऑन रिकॉर्डिंग नहीं मारूंगा भाई, मतलब समझ रहे हो ना कितना ग्राइंडिंग मूवमेंट होता है वो, वहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ओ भाई मुझे खाली, ओ ये क्या, व्हाट द फक भाई, आए 2 मिनट मुझे समझने का मौका तो दो, ये क्या है, मतलब लॉल भाई ब्लॉक्स दो यार मुझे, मतलब मैंने ये क्यों बनाया और क्या बन गया ये भाई। मुझे लगा खाली एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक आता है, यानी कि वो स्पॉनर वाला। यार मुझे क्या पता साला इसको प्रॉपर चढ़ना पड़ेगा रियल वाले की तरह। सच्चाई बता रहा हूँ यार, मैंने सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा होगा। चेक करते हैं इसका स्पॉनर कहाँ है,
अब ये मत कहना इसमें स्पॉनर नहीं है, मैं अपना एक और डायमंड तो लगाऊंगा नीस पर। वो स्पॉनर तो होना चाहिए। चल के चेक कर लेते हैं इधर। लेट्स गो लेट्स गो, मिल गया स्पॉनर। तो चलो गाइस फटाफट से हम यहाँ ग्राइंडिंग। ओ ओए ये क्या था, मतलब कुछ भी, मैंने अभी मारा है भाई वहां जाकर उसे। मेरे मारने पीटने पर थोड़ा असर पड़ेगा इससे, मेरी स्पीड तो वही है तलवार चलाने की। भाई दिया भी तो है 4 मिनट का। अबे जल्दी स्पॉन हो यार, चल तू लेट स्पॉन होगी तब तक मैं काम कर लूंगा ना। थोड़ा कवर कर लेते हैं ताकि ये लोग ज़्यादा दूर ना जा पाएं। मेरे पास बो नहीं है कि मैं इन्हें दूर से मार दूंगा भाई, वरना हमारी सर्वाइवल वर्ल्ड में तो मैंने कर लिया था। भाई प्लीज़ अगर आपको सर्वाइवल में खेलना है तो मैंने मना नहीं किया है, बट अपनी आईडी और वो तो कमेंट करो, माइनक्राफ्ट आईडी और अपना नंबर, ठीक है ना ब्रो। मैंने आपको रूल्स भी बता दिए हैं क्या है, तो प्लीज़ अगर खेलना है तो आ जाओ, नहीं खेलना तो मैंने कोई जिद भी नहीं की है आपसे। तो चलो गाइस मैं आपको यहाँ से ब्लेज रॉड कलेक्ट करके मिलता हूँ 5 मिनट में। तो गाइस अभी हमने कलेक्ट कर लिया है भाई, और मैंने ये भी तोड़ दिया, मेरे को नीचे भाई झंझट। और ये वर्ल्ड तो देख ही रहे हो भाई आप लोग, कैसा वर्ल्ड है ये भाई, मेरी माइनिंग स्पीड गिरा रखी। पता था मुझे मैं ऐसे ही कुछ करूँगा। चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गया, घर नहीं है ऐसे ही। तो हमें चाहिए एक बाल्टी दूध भाई, कहीं गाय वाय है क्या भाई दूध। मैंने 21 ब्लेज रॉड जमा करी है, मतलब एक तरीके से कहूँ तो 21 जमा करनी नहीं चाहता था मैं, वो हो गई। मेरे पे 2 एंडर पर्ल देखो ऑलरेडी पड़ी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ विलेजर से ट्रेड करते हैं ना, या फिर ओ हाँ पिगलिन से ट्रेड करते हैं। चलो गाइस ये सबसे सही तरीका होगा मेरे हिसाब से तो। चलो गाइस मैं आपको ये अपने गोल्ड लेके पिगलिन के पास ही मिलता हूँ सीधा उन्हें ट्रैप करके। तो गाइस अभी चेक करते हैं ये क्या देते हैं क्या नहीं देते। मैंने इन्हें काफ़ी सारा भाई देखो दिया है गोल्ड, 49 गोल्ड में लगभग दे देना चाहिए इन्हें। मुझे लगभग चाहिए 2 स्टैक ऑफ एंडर पर्ल, दे दो यार प्लीज हराम खोरो। जब तक ये सब काम कर रहे हैं मैं थोड़े गोल्ड जमा करूं। ये कौन सा मारने आएंगे, 2 मिनट गाइस, इसको खोपचे में लेते हैं एंड 1 2 लेट्स गो। अच्छा वो ज़्यादा वो नहीं था, बंदे नहीं थे, वरना वो अग्रेसिव कर देता सबको। तो तब तक हम गोल्ड थोड़ा ढूंढ लेते हैं, काश और गोल्ड मिल जाए भाई। मुझे एंडर पर्ल के लिए यार वो वाला नहीं करना। और भाई आप सोच रहे होगे मैं इतना दूर कैसे आया, तो भाई मैं ब्रिजिंग करते हुए आया हूँ। और ये पॉकेट एडिशन है इसलिए भाई जितनी हम बहुत इजीली ब्रिजिंग कर सकते हैं। पॉकेट एडिशन के बंदों को सेंस के बारे में पता है। एक पोशन भी दिया यार इनने, काम आ सकता है मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो में गारंटी ड्रैगन की माँ बहन करने जाऊंगा मैं। ओ भाई मेरे बैग में क्या क्या भरा पड़ा है, 2 मिनट गाइस थोड़ा बैग खाली कर लेते हैं। तो देखो ये तो चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए। ऑब्सीडियन नहीं चाहिए, वुड भी नहीं चाहिए, चाहिए ये भी नहीं चाहिए, ग्रेवल भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये वाटर की बाल्टी भी नहीं चाहिए, फ्लिंट रख लेते हैं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये रख लेते हैं। मतलब एक तरीके से आयरन के आर्मी में ड्रैगन को मारना कूल हो जाएगा थोड़ा। वैसे ओशन मॉन्यूमेंट मुझे चाहिए नहीं, एक और बढ़िया सब लावा में हो गया डन। चलो गाइस
पहले सामान ही उठा लेता हूँ, चेक करता हूँ कितनी एंडरपल दी। वो एंडरपल कहाँ है भाई? मतलब और जमा करने पड़ेंगे मेरे को अभी तुम सबकी। तो चलो गाइस मैं एंडरपल लेके ही मिलता हूँ आपसे। तो गाइस ये लोग ट्रेड ओए ओ भाई ये क्या है? ओ व्हाट द फक, भाई मतलब ये क्या था? इधर ये क्या दिक्कत है भाई तेरे को? नहीं मैंने 12-13 को मार दिया, तेरे को नहीं मार पाऊंगा भाई। क्या है ये? मतलब मुझे उनको भी निपटाना ही पड़ेगा भाई। मुझे तो लगता है एंडरपल काफी दे दी है इन लोगों ने। बताओ इन्हें मार के चले वापस। चलो गाइस मैं इनसे सामान लेके सबका मिलता हूँ आपको घर पर। हमारा सब कुछ सही है ना भाई? इजी पर है, अच्छा हुआ भाई। अगर हार्ड पर होता तो क्या होता यार? चलो गाइस घर पर मिलते हैं। तो इन्होंने को अच्छे खासा सामान गिराया, मतलब ठीक ठाक जितना मुझे चाहिए नहीं था उतना गिराया। तो यार थोड़ा ये फेंको यार, बहुत सारा कलेक्ट हो गया इतने टाइम में ही। मैं जब मैं गया हुआ था ना वहाँ माइनिंग पर तभी कलेक्ट हो गया था काफ़ी सारा। तो गाइस मुझे पोशन मारना होगा अपने ऊपर ताकि मैं जल्दी जल्दी यहाँ से ट्रैवल कर पाऊँ। चलो गाइस घर पे मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। तो गाइस मैं मर के घर जा रहा हूँ, समझ रहे हो ना? मतलब रास्ता में प्रॉपर ही भूल चुका था भाई, बुरा भूल चुका हूँ भाई पूरा रास्ता। एंड अब मैं आज के भाई लेट गया हूँ। अब मुझे भाई सीधी बात है, हमारे पास कितने 2 स्टैक एंडरपल भाई, लेट्स गो। एक भाई देखो, सबसे पहले भाई अपने बैग को खाली करते हैं। एंड हमारे पास एरो भी काफ़ी हो गए जिससे हम एंडर ड्रैगन को बीट कर सकें। ब्लैक स्टोन भी काफ़ी सारे कर लिए भाई। अच्छा हुआ मैंने ट्रेडिंग का रास्ता चुना भाई, कम से कम मेरे पे ये सब सामान तो बहुत था। अच्छा मैंने ट्रेडिंग का रास्ता चुना, वरना भाई मैं पता नहीं कहाँ होता अभी। चलो गाइस पहले सब सारी की सारी ब्लेज रॉड से पल बना लेते हैं। ओ भाई कितने जमा कर लिए उन्हें बातों बातों में। लेट्स गो भाई। आज मैंने सोचे थे टोटल 4 स्ट्रक्चर बिल्ड करने की, 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे आज और 3 कल एंड के बनाएंगे जिससे हम इस वर्ल्ड को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना? चेक करते हैं। अब ये वाला बना सकता हूँ मैं, इसमें ये ब्रश लगेगा। नहीं यार ये बनाते हैं। चलो गाइस लेकर आते हैं नीचे जाकर। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 5 मिनट में ले आएंगे हम। इसमें माइनस लेवल तक पहुँचते पहुँचते ही मिल जाएगा, बस अभी चलते रहते हैं नीचे की तरफ। हमारे पास सारा ही सामान आ गया भाई काफ़ी जल्दी, एक तरीके से बहुत तेज़ी से हमारे पास काफ़ी सामान आ गया है। तो चलो गाइस फटाफट से इस वीडियो को भी लगभग उतना ही टाइम होगा जितना हर वीडियो को हो जाता है, तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पिछली वीडियो में व्यूज़ अच्छी दिए थे भाई आप लोगों ने, इस वीडियो पे भी भाई ध्यान रखना। तो चलो गाइस मैं आपसे सामान ही लेके मिलता हूँ एंड स्पॉन करेंगे थोड़े दूर के एरिया पे आके और देखते हैं भाई क्या होता है एंड सिटी के अंदर। तो गाइस हम लगभग पहुँच ही हैं ऊपर की तरफ, यानी कि हमने मैक्सिमम काम कर लिया है भाई। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई पिछली वीडियो से भाई, आप लोगों ने नोटिस किया? ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई, मतलब ट्राई करूँगा मैं शॉर्ट करने की, बस अगर ना हो पाई ना तो यार सॉरी, क्योंकि मैं कुछ मेन पार्ट्स ही शो करता हूँ। अब मैं उनमें भी कटिंग करना शुरू कर दूँगा ना तो वीडियोस का भाई सारा मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। बस मैं इसी वजह से कटिंग नहीं करता वीडियो में। चलो लेट्स गो गाइस हम जाके ले आए हैं, घूम जा। ओए क्या मार, क्या चीज दी है वो बच्चा?
लेट्स गो। अब देखते हैं, हमारा एक ही डायमंड है हमारे पास, वैसे हैगा बट मेरे हिसाब से एक। भाई ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो मैं एक ही दूंगा। वो अब क्या है, डीप स्लेट, ये कैसे बनेगा भाई? इसके लिए भी कोई वो चाहिए होता है क्या, मशीन मशीन? तो चलो छोड़ो इसे, छोड़ो यार। हम भाई देखो वो कल बिल्ड कर लेंगे, आज हम ये बना लेते हैं एक, ठीक है ना। गोल्ड है हमारे पास, सैंड एंड ग्रेवल और एंड ब्रश। मैं बना के ही मिलता हूँ आपसे कॉर्नर वाले एरिया पे, ठीक है, वही 5 मिनट में। तो गाइस हमने इसे बना दिया है दो दो। अब देखते हैं गाइस, आज की वीडियो में 4 स्ट्रक्चर हो गए। अब अगली वीडियो में हम मारेंगे एंडर ड्रैगन को। प्लीज़ कॉमेंट में स्पैमिंग स्टार्ट कर दो और ये देखते हैं है क्या। भाई मैंने जो सोचा था ये जस्ट डिट्टो वही है, इसके अंदर हर तरीके के और हैं। मैं ये दोनों स्पॉन कर रहा हूँ भाई, गलत गलत बना दिया क्या मैंने इसे? चेस्ट वेस्ट की लालच में बनाया था मैंने तो यार, मुझे इसका नाम से ही लगा था ये कोई रवीन जैसा कुछ मामला होगा इसका, फिर भी मैंने बिल्ड कर ही लिया। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस देखो, ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर, बट कोई बात नहीं, आपको अगली वीडियो में बीट करता हुआ मिलूँगा एंडर ड्रैगन को। और उसके बाद आप लोग बताना कि भाई क्या बिल्ड करें हम ऐसा जिससे आप और ज़्यादा मेरी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट एंड क्रेजी सा कोई मोड बताओ, ताकि मैं आपके लिए प्ले करूँ एंड आप लोग चिल करो तब तक के लिए। एंड और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, तब तक के लिए बाय।